them all. I would like to invite all the participants on the stage. और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस. देखो मैंने पहले ही बोला था स्टेज पे आना ही बड़ी बात है. बहुत अच्छा. तो मैं थोड़ा सा पूछती हूँ, देखो आप ही के बीच में से हैं तो उनको कैसा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है आपको परफॉर्म करके, कैसा लग रहा है? बाद में थोड़ा सा ठंडा सा अब हो गया शाम. अच्छा लग रहा है, डर कम हुआ? नेक्स्ट टाइम और बढ़िया से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ है ना. देखो इन्होंने भी पहुंच ले रहा है. हिमांशी की तबीयत थोड़ी सी खराब है यार. अच्छा खराब है. बहुत ज्यादा किया है लेकिन अब मैंने कुछ टाइम गैप करके अब पहली बार किया. बहुत अच्छा लग रहा है. नहीं हमें बहुत अच्छा लगा. बहुत एंजॉय किया. ऐसा किया और मोटिवेशन आता है बाकी सबके लिए. भाई ये स्वीटी लुक लाइक अ प्रोफेशनल डांसर. स्वीटी कैसा लग रहा है परफॉर्म करके? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है डांस करने, लेकिन यहाँ के बहुत अच्छा लगा. एक तो सबने इतना अच्छे से आइए पूजा. ये लोग इतने डरे हुए थे ना कि दीदी मेरा इतना ही सॉन्ग रहने दो, दीदी काट दो, दीदी लाज का रहने दो, क्या मैं इतना ही कर लूं? इतने क्वेश्चंस, मतलब इनके माइंड में इतना कुछ चल रहा था कि पता नहीं मैं पूरा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. तो ये चीज से ही ओवरकम किया इन्होंने अपने लिए. और अपने आप को नॉन डांसर डांसर बोलते हैं. सबसे ज्यादा डरी हुई. कैसा लग रहा है? जैसे ही मदर के लिए अपना बच्चा होता है ना, तू तो बेस्ट है तू कर. वैसे मेरे को यहाँ पे आके फ्रेंड्स मिले ऐसे जिन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंट बनाया. अपूर्वा, जिन्होंने इनको देख के परफॉर्म करते करते मन बनाया मैं भी करूंगी. अच्छा वेरी गुड. चलो बोलना चाहोगी? मेरी मम्मी बहुत अच्छी डांसर थी तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं उनको कॉपी कर सकूँ. अब वो नहीं है मेरे साथ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह बनूँ. नेक्स्ट टाइम आइए सामिया. बहुत ही खूबसूरत. हाँ मुझे यहाँ पर आए तो अपने डेढ़ साल हो गए हैं, बट यहाँ पे नाम के साथ जोड़ नहीं सकते. तो ताकि मुझे पूरे दिन में जो सबसे अच्छा आर होता है ना, वो बहुत से हमारा भी हमारा भी और दूसरा यहाँ पे मतलब मोटिवेट होगा कि मुझे यहाँ इतना अच्छा लगे कि नहीं आऊँगी मैं. कॉल आया मेरे पास कि रहने देते हैं ना फिर कभी कर लेंगे. क्या बोला था आपने? और स्टेज पे थोड़ी देर तक तो इनका नर्वसनेस दिख रही थी, उसके बाद जो आपने करा है ना चोली के पीछे बहुत ही बढ़िया. और कुछ कहना चाहोगी? फर्स्ट टाइम था स्टेज, फर्स्ट टाइम अटेंड किया. आपने बहुत अच्छा सपना. सपना ने पहले कभी परफॉर्म किया? शादी वो सब करते हैं. बहुत अच्छा किया सपना ने, बहुत अच्छा किया. क्लैप करते हैं. सीरियसली हाँ, मुझे सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा. और सेकंडली एक कहते हैं ना कुछ टाइम जो हम अपने लिए निकाल लेते हैं वो सबसे मेन लगा. इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस अपने लिए टाइम निकाल कर. सबसे अच्छा लगा क्योंकि फैमिली में रिश्तों में इतने उलझे रहते हैं ना, खुद को भूल जाते हैं. फ्रेंड्स भी फैमिली है डियर. ये फैमिली से घुलने मिलने का टाइम बहुत कम मिलता है. मिलता रहेगा. शुरुआत करी थी हमारी, शुरुआत इतनी अच्छी थी तभी तो इतने सबको कॉन्फिडेंस मिला. नाम है मोना जैन. और मोना जैन को कहना चाहेंगी? मोना जैन का कहाँ से
बिलोंग करते हो आप? बिहार बेतिया चंपारण। अच्छा, लेकिन मैं दिल्ली रहती हूँ और जब से मैम की क्लास ज्वाइन की है मतलब ये तो असम है ही। मेरे को लग रहा है फ्रेंड्स भी मिली तो वो एकदम फैमिली की जैसी मिली और ये तो लगता है क्लास मिस होती है। अभी मैं वन मंथ से तबियत खराब होने के बाद मेरी नहीं बन पाई लेकिन एक अधूरा सा ऐसा लगता है। मैं बिहार में भी रहती हूँ तो यहाँ पर रहता है दिमाग में कि दिल्ली में मतलब कि मैं बहुत अच्छे से जुड़ गई हूँ। ये काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती रहती है। आप इनको देखेंगे YouTube वगैरह पे तो बहुत सारे सोशल प्रोग्राम्स में वहाँ पे इवन ये क्या मिस एंड मिसेस ग्लोबल बिहार का अवार्ड। और इनके दो बड़े बड़े बेटे हैं। ऐसे तो मोटिवेशन मिलता है सबको। थैंक यू सो मच, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। प्राइजेस मैटर नहीं करते, मेरे लिए तो यही प्राइज है कि आप लोग स्टेज पर चढ़ गए।